दोस्तों ये जो मिल्टन की बॉटल है ये एक वैक्यूम फ्लास्क है। इसके अंदर एक्चुअली में दो लेयर्स होती हैं और उनके बीच में वैक्यूम होता है। इस बॉटल का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, आप देख सकते हो अंदर भी लगभग इतना ही टेम्परेचर होगा, बिल्कुल 33। तो अब चलते हैं हमारे मोल्टन एल्यूमिनियम की तरफ। दोस्तों यहाँ पर इस भट्टी के अंदर हमारा जो एल्यूमिनियम है वो गर्म हो चुका है और आप लोग देखो कि एकदम यहाँ पर ये लाल हो रखा है भाई, कितना रेड हॉट हो रखी है हमारी फर्नेस। इसका टेम्परेचर मैं आपको देखो दिखाना चाहूँगा, बहुत गर्म है यार। इसका टेम्परेचर आप लोग देखो 971 डिग्री, देखो 971 डिग्री दिख रहा है। तो भाई फर्नेस को करते हैं यहाँ पर बंद और इसको निकालते हैं जल्दी से बाहर, और जब तक ये वापस से जमे उससे पहले इसको डालते हैं हमारी मिल्टन की बॉटल में और देखते हैं कि भाई साहब क्या होगा यहाँ पर। देखो एकदम रेड हॉट है यार ये, ओए होए, ओहो हो हो यार इतनी गर्मी है और मेरे पास में आ रही है गर्मी, और मैंने जो है सारा एल्यूमिनियम डाल दिया है। और देखो ये है इसका कमाल, देखो मतलब बाहर से कुछ नहीं है और अंदर अभी भी एकदम लाल है। अरे वाह यार, जिस चीज के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो अंदर से रेड हॉट हो रखा है, ओ भाई साहब। तो भाई इसके बाहर का टेम्परेचर देखते हैं, और यार ये भी काफ़ी गर्म हो चुका है। इवन इसके अंदर वैक्यूम है बट देखो एकदम एक्सट्रीम वैक्यूम कहीं नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हवा तो रहेगी ही। और 156 डिग्री इसके बाहर का तापमान है, देखो 165 हो गया, बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट अभी भी देखो अंदर एकदम लाल है। और अंदर का टेम्परेचर आप लोग देखो, अंदर देखो ज़्यादा है टेम्परेचर, इसमें 283 आया था मैक्स, बट इससे भी ज़्यादा है क्योंकि मैं अच्छे से पॉइंट नहीं कर पा रहा इसको, छोटा छेद है ना इसका। और भाई जो बॉटल है वो यार बाहर से भी बहुत ज़्यादा हॉट है, इवन मैंने हीट प्रूफ ग्लव्स पहने लेकिन फिर भी मेरे जो हाथ हैं वो यहाँ पर गर्म हो जा रहे हैं। हमारे पानी को कैसे उबाल रहा है, ओए होए, वाओ गाइस यार कितना हॉट है न।